नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से जम्मू के प्रेस क्लब में आज जे&के रिटायर्ड वॉलंटियर्स की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया गया है। लगातार ये लोग प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को प्रशासन और सरकार तक रखने का प्रयास कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं कोई भी फूट फूट जल्दी क्या बाली साहब आप देख रहे हैं कि बाहर निकलने का प्रयास करते हुए ये रिटायर एसआरटी वॉलंटियर्स सीनियर सिटीजन है। पुलिस भी कहीं ना कहीं हाथ लगाते डरती हो डर रही होगी। पाली साहब क्या कहेंगे, पाली सर क्या कहेंगे, लगातार आप आवाज उठा रहे, पर आज आपने प्रदर्शन किया, पीछे हो जाओ, आज हम एक पीसफुल रैली लेके राजभवन की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन बड़े दुख की बात है सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर हमारी रैली को आगे नहीं जाने। हमारी रैली थी या पीसफुल रैली थी, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी मांग है जो पिछले दिनों में सेक्ट्रेट में बिल हमारे किए हुए हैं जिनका अमाउंट है 67,95,94,710 रुपये, जिसमें कोला एरियर, सिक्स पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर, पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ना ही जो सेक्ट्रेट के अंदर बैठे हैं उन्होंने हमारी आवाज़ पहुँचाई और ना ही जो सेक्ट्रेट से बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि जो 25 MLA हमने जीत कर भेजे उन्होंने भी हमारी बात, ये उनका काम है गरीब जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने। जब ये जम्मू कश्मीर सरकार थी तब भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, अब दिल्ली सरकार है वो भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं हमारा जो पेंडिंग एरियर है वो विद इन डेज तक क्लियर की जाए, अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो संघर्ष है जारी रहेगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बार बार आप आवाज तो उठाते हैं पर सुनवाई क्यों नहीं होती, ये भी बड़ा सवाल रहता है सर। आज से 7 साल पहले हमें पेमेंट हुई थी, लेकिन 7 साल के बाद हमारी पेमेंट रोक ली है, जिसमें 50% पेमेंट थी मिल गई थी, 50% बैलेंस है। अब ये कह रहे हैं सेंटर पैसा देगी तो हम देंगे, लेकिन सेंटर ने पैसा दे दिया 20,000 करोड़ रुपया, उसमें हमारा भी एरियर है, इसलिए जब तक हमें हमारी पेमेंट नहीं मिलती, हमारा पैसा रिलीज नहीं होता, हमारा एरियर नहीं मिलता, तो हम हमारा ये जो संघर्ष जारी रहेगा। साफ तौर पर इनका कहना है कि लगातार ही अपनी पेंडिंग डिमांड को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे, पर अब फिर से मजबूरी बन गई। बताना चाहिए आज जे&के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से लगातार साइलेंट प्रदर्शन किया गया, पर आज लगातार ये लगातार अपनी बात को बड़ी साइलेंटली तरीके से बड़ी शांतिपूर्वक रखने का प्रयास कर रहे थे, पर लगता है शायद सरकार और प्रशासन के कानों तले जू नहीं रहे। आज देखिए फिर भी सबसे बड़ा सवाल ये कि रिटायर्ड पर्सन है और साथ ही सीनियर सिटीजन है तो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार अभी भी इनकी आवाज को नहीं सुन रही, आखिर कब सुनेगी। युवा सड़कों पर है, आम जनता परेशान है और अब ये रिटायर्ड पर्सन जो कि जिन्होंने पूरा अपनी जवानी यानी अपनी उम्र डिपार्टमेंट को दे दी और जब रिटायरमेंट के बाद सुख का समय आया तो इनकी ये तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे मजे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।